नमस्कार, मैं सुमन और आप देख रहे हैं न्यूज प्रहर, खबर जो सच बोले। सीधे बढ़ेंगे खबरों की ओर। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सोमवार को लॉकडाउन लागू किया गया। इसका असर रानीगंज में भी साफ दिखा। हालांकि कुछ जगहों पर दुकानें खुली थी, ऐसा ही नजारा केजी लेन और ईस्टपाड़ा में देखने को मिला। गौर करने की बात है कि ये इलाके रानीगंज थाने से कुछ दूर पर ही है। इन इलाकों में कई दुकानें खुली थी, ग्राहक भी दुकानों पर दिखे। रास्ते पर गाड़ियां भी चल रही थी, यहां तक ट्रकों से सामान लोड अनलोड भी हो रहा था। यानी कि खुलेआम लॉकडाउन की पाबंदियों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। बहरहाल आखिरकार पुलिस तक खबर पहुंच गई। कुछ देर में पुलिस की गाड़ी भी पहुंच गई। पुलिस को देखते ही दुकानों के शटर धड़ाधड़ गिरने लगे। हालांकि कुछ दुकानदार पुलिस के हत्थे भी चढ़ गए। पुलिस ने इन्हें अपनी गाड़ी में बिठाया और थाने लेकर गई। पुलिस ने पूरे रानीगंज में अभियान चलाकर सड़कों पर बेवजह चलने वाले कई लोगों को हिरासत में भी लिया। हालांकि इन्हें बाद में छोड़ दिया गया। रानीगंज की सड़कों पर दोपहिया वाहन खुलेआम चलते दिखे। हालांकि लॉकडाउन काफी सफल रहा। लॉकडाउन सफल करने की जिम्मेदारी जिनके कंधे पर है, उन्हीं को लॉकडाउन का उल्लंघन करते देखा गया। आसनसोल के सब्जी बाजार में एक पुलिस को वर्दी पहने बाजार करते देखा गया। उनके साथ एक पुलिस कांस्टेबल तथा एक सिविक वॉलंटियर पुलिस का जवान भी मौजूद था। सितंबर महीने की पहली लॉकडाउन के दिन आसनसोल में सुबह से ही पुलिस की तत्परता दिखाई पड़ी। इसी बीच आसनसोल सब्जी बाजार में यह पुलिसकर्मी लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए सब्जी बाजार से सब्जी खरीदने के दौरान खीरा खरीदे एवं जेब से पैसे निकालकर सब्जी वाले को देते दिखाई पड़े। इसे देखकर पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रीय तेल संस्थानों के निजीकरण के विरोध में सोमवार को देश भर में जारी आंदोलन के साथ कदम मिलाते हुए दुर्गापुर के राजबांध स्थित भारत गैस बोटानिकल प्लांट के बाहर श्रमिकों ने सुबह से ही प्लांट का गेट बंद कर जमकर विरोध शुरू किया। श्रमिक काम धंधा बंद कर आंदोलन पर उतरे। इस संस्था को गैर सरकारीकरण करने तथा कंपनी द्वारा श्रमिकों को जबरन अवकाश लिए जाने का दबाव बनाने के विरोध में तथा अन्य कई मांगों को लेकर श्रमिक आंदोलन पर उतरे हैं। कर्मियों ने बताया कि आंदोलन दो दिनों तक चलेगा। कहा कि अगर केंद्र सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो हम आंदोलन को और बृहत्तर ले जाएंगे। अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो कारखाने के गेट पर सो जाएंगे, लेकिन हम कोई भी काम होने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि यह कंपनी विगत 40-42 वर्षों से लाभ कर रही है, रत्न से महारत्न बनी और केंद्र सरकार इसे गैर सरकारीकरण कर रही है। छोटे से ब्रेक के बाद स्वागत है। कोरोना संक्रमण के रोकने के लिए मोदी सरकार ने 25 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन लगाया था। करीब दो महीने तक चले संपूर्ण लॉकडाउन ने देश के गरीब तबके को एक तरह से तबाह कर दिया। लॉकडाउन के बाद देश में अनलॉक के तहत सीमित पाबंदियां लगाई गई। लॉकडाउन और अनलॉक के दौरान हजारों लोग मुसीबतों में गिर गए। उनका रोजगार चला गया, खाने पीने की मुश्किलें हो गई। ऐसे समय में आसनसोल में कृष्णा प्रसाद मुसीबत के मारे लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आए। लॉकडाउन और उसके बाद अब अनलॉक के दौरान वे लगातार गरीब और जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। अब वे एक विकलांग यानी दिव्यांग परिवार को मदद के लिए आगे आए हैं। ये दिव्यांग परिवार निश्चिंतो ग्राम में अपने टूटे फूटे घर में रहता है। इलाके में तिरपाल वितरण के दौरान कृष्णा प्रसाद को इस परिवार के बारे में पता चला तो वे उसके घर तक चले गए। वे घर के अंदर भी गए। यह परिवार अपने 3 बच्चों के साथ जर्जर घर में रहता है। इसे देखकर कृष्णा प्रसाद ने तुरंत कहा कि वे उनका घर बना देंगे, 2 दिन के अंदर घर बनाने का काम शुरू हो जाए। यह बात सुनकर परिवार ने उनका आभार जताया। कृष्णा प्रसाद ने इस परिवार को आर्थिक मदद भी की। उन्होंने उसे दिव्यांग सर्टिफिकेट भी बनवा देने का भरोसा दिया। एक बारे पड़े जावर हमार काम साथ है।
আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাইছি দাদা যে দুটি পেট ভরে খাবার আর একটু ঘরটা বাস ঘরটা। হ্যাঁ দাদার আমি বাড়ি করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? দুদিনের মধ্যে লকডাউন পর থেকে গাড়ি বাড়ি কাজ শুরু করে দিচ্ছি, আপনার বাড়ি বানিয়ে দিচ্ছি। স্যার ইনকা ঘর পুরা হ্যান্ডিক্যাপ, হ্যাঁ ওয়াইফ হাজবেন্ড এরা নিজে কিছু করতে পারেননি, কোনো রোজগার নেই, তো আপনি এর বাড়িটা দেখলেন কি কি সাহায্য করছেন? আমি দেখলাম যে বাড়িটা খুব অবস্থা খারাপ, শোচনীয়, যে কোনো সময় মুহূর্তে পড়ে যাবে, তা আমি কমিটমেন্ট করছি যে 8 তারিখ থেকে আপনার বাড়ি কাজ শুরু হয়ে যাবে, 7 তারিখ লকডাউন, কাল লকডাউন, পরশু থেকে বাড়ি আপনার কাজ আমি শুরু করে দিচ্ছি, আপনার বাড়ি তৈরি করে দেবো, এনাদের রোজগারের ব্যবস্থা করে দেবো, হ্যান্ডিক্যাপ আছেন, আপনাদের আর কি লাগবে? মেডিসিন 1000 টাকা দিয়ে দিলাম, এনার সঙ্গে আছি, যা প্রয়োজন হলে बप्पा चटर्जी को तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्य सचिव बनाए जाने से बानपुर के बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी है। पार्टी कार्यकर्ता इसे बानपुर के लिए गौरव की बात कर रहे हैं। उन्होंने बप्पा चटर्जी को अपने तरफ से सम्मानित किया। आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 96 में एक कार्यक्रम में बप्पा चटर्जी को ठाकुर मदन गोपाल जी की तस्वीर देकर सम्मानित किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता भी दिया। इस अवसर पर सभी का मुंह भी मीठा किया गया। जैसा आपको पता है, बीजेपी नेता और कार्यकर्ता अगले विधानसभा चुनाव को लेकर काफी उत्साहित है। पार्टी कार्यकर्ताओं को लगता है कि 2021 के चुनाव में बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा और बीजेपी की सरकार बन जाएगी, इसलिए भाजपा नेता और कार्यकर्ता अभी से जोरदार तैयारी में लगे हैं। शिल्पांचल के विभिन्न महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए रोजाना देखना न भूलिए न्यूज़ प्रहर, खबर जो सच बोले। नमस्कार।